वेलकम गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने मस्तिष्क को फिट रख सकते हैं, जैसे कि हम अपने बॉडी को फिट रखना कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने ब्रेन को भी फिट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप कुछ चीज़ें अचीव कर पाते हो एक्चुअली में। क्योंकि सारा खेल, आप जानते हो कि सारा खेल जो है माइंड का होता है। पीपल ऑलवेज से कि आप रियल में हारने से पहले या जीतने से पहले आप प्लान कर लेते हो अपने ब्रेन में कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को जीतने वाले हो या हारने वाले हो, और वही डिसाइड कर देता है कि आप एक्चुअल में जीतोगे या हारोगे। ऐसे में आप अपनी मस्तिष्क को, ब्रेन को जितना ज़्यादा हेल्दी रखेंगे, फिट रखेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे और आपकी याददाश्त भी बेहतर होते जाएगी। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ब्रेन को इंगेज रखो चीज़ों में, यानी आप रेगुलरली इसे बिजी रख सकते हो। और व्यायाम करना इम्पोर्टेंट होता है, एक्सरसाइज, जिस तरह से हम अपने बॉडी को ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने ब्रेन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देकर उसके लिए भी आपको मस्ट एक ही एक्सरसाइज जरूर करें। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ना सिर्फ आप आपका जो याददाश्त है वो डिवाइड है इम्प्रूव होता जाएगा, मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप देखते होगे कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पढ़ो चीज़ें वो याद होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ते तो सभी, बट आप उसे कितना रिटेंशन जो है इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसे कितने देरी तक, कितना टाइम तक आप उसे याद रख पाते हो, तो उसमें ब्रेन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इस तरीके ना सिर्फ आपके जो याददाश्त है वो बढ़ेगी, इससे आपकी सोचने की क्षमता और कंसंट्रेशन, एकाग्रता भी आपको इम्प्रूव होता है। तो याददाश्त बढ़ाने के लिए अब इट्स नाउ अ क्वेश्चन कि हम अपने याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड पीपल और स्टूडेंट आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट दैट कि मेरे को भाई कुछ भी करना है, मेरे को बस याद रखने की कोई भी टेक्निक बता दो कि कैसे मैं अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकता हूँ, कोई एक्सरसाइज क्या है क्या जिससे हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, और मैं भी लंबे टाइम तक चीज़ें याद रखना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार होता है कि आप पढ़ते तो बहुत है बट चीज़ें आपको एट द टाइम एग्जाम के टाइम पर याद नहीं होती है, जो कि बिल्कुल वर्स्ट हो जाता है, या फिर इसका क्या ही वर्थ है अगर आपको चीज़ें पढ़े हुए चीज़ें याद ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी इसका वर्थ नहीं है, ठीक है। इन दैट केस आप पजल्स और क्रॉसवर्ड जो होते हैं उससे ट्राई कर सकते हो, एक एक्सरसाइज हो सकता है जिसे यूज करके आपको जो मेमोरी है और जो याददाश्त है इन सब चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो पजल्स हो गया, अपने पजल्स आई होप कि आप जानते हो कि किस तरीके से प्ले करना होता है, खेलना होता है, ओके। तो पजल्स और जो क्रॉसवर्ड्स होते हैं और सुडोकू जैसे जो इस तरीके के दिमागी खेल है, खेलने से आपके मस्तिष्क को चुनौती मिलती है, आपका ब्रेन जो है, ब्रेन में न्यूरॉन्स जो है वो डेवलप होते हैं, और यह न केवल मस्तिष्क की गतिविधि को बढ़ाता है बल्कि जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी सुधारता है, यानी कंसंट्रेशन भी आपको इस सब चीज़ों से इम्प्रूव होता है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो है आपको कुछ चीज़ें माइंड में पहले से ही आपको प्लानिंग करके चलना होता है कि मेरे को, जैसे हम सुडोकू की बात करें, सुडोकू आई मतलब रेगुलरली खेलता रहता हूँ सुडोकू, तो उसमें क्या होता है कि आपको नंबर फिल करने होते हैं, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर रैंडम आप फिल करते हो, यू हैव टू प्लान फॉर दैट कि अगर मैं इस नंबर को यहाँ पर रख रहा हूँ तो मेरे को सारे जो भी उसमें खान होते हैं, यानी कि कह सकते हैं ब्लैंक होते हैं, तो आपको उन सब का भी ख्याल रखना होता है कि अगर इस पर्टिकुलर नंबर को यहाँ पे फिल कर रहा हूँ तो क्या आगे आने वाले नंबर को भी मैं उसे उसके वजह से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा, क्या कोई प्रॉब्लम होने वाला है, इन सब चीज़ों को भी वहाँ पे प्लान करना होता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड वन, आपको इसे ट्राई जरूर करना चाहिए। तो ये ठीक है, सेकंड नंबर पे है कि आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नए कौशल जो भी आपको सीखना चाहिए, इन नए कौशल सीखने से मस्तिष्क को एक नया अनुभव मिलता है, क्योंकि बहुत से बार हम एक ही चीज़ करके बोर हो जाते हैं, यही लव और यही कारण है कि बहुत से लोग जो है आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि यू शुड चेंज योर पैटर्न, मतलब कि आप राइट हैंड से कोई काम करते हो तो आप कभी लेफ्ट से करना शुरू कर दो, तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको एक नया कौशल सीखना चाहिए, इससे आपको पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगा और आपको ब्रेन को थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट मिलेगा। तो जैसे कि नया आप इसमें क्या हो सकता है कि आप नए लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई नया जो है इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो जो भी आपका, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और आप इसमें कुकिंग भी सीखते हो, तो इट्स ऑल्सो अ वे कि आप अपने माइंड को साफ कर सकते हो, याददाश्त को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तीसरा नंबर है अब मस्तिष्क की कसरत, यानी एक्सरसाइज क्या हो सकता है, तो बस मस्तिष्क की जो कसरत है के लिए ध्यान और मेडिटेशन बहुत प्रभावी होता है। मेडिटेशन और ध्यान लगाना, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इट्स इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। यू शुड मस्ट ट्राई दिस वन,
क्योंकि सच में बहुत से लोगों को हेल्प कर चुका है और आपको भी जरूर करेगा अगर आप इसे ट्राई करोगे तो। तो ये न सिर्फ तनाव कम करते हैं बल्कि मस्तिष्क स्वास्थ्य को भी बेटर करते हैं। इसके साथ शारीरिक व्यायाम भी हो सकता है, क्योंकि जब शारीरिक गतिविधियाँ हो गया, जैसे कि दौड़ना हो गया, योगा करना हो गया, खेलना कूदना हो गया, एंड इससे मस्तिष्क के लिए फायदा होता है, क्योंकि आप जानते हो कि वेन यू ट्राई प्ले और वेन यू प्ले और तो उससे ब्लड का संचार तेजी होता है और जितना ज़्यादा आपके जिस पार्ट में भी ब्लड जाएगा लिमिट के वो पार्ट आपका चमकने लगेगा। और यही कारण है कि जब आप खेलते कूदते हैं तो दैट इज़ अ गुड वन, आपके लिए हेल्पफुल होता है। और ये गतिविधियाँ जो है मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ा देती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा गाइस वो उतना वो ऑर्गन आपका उतना ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो अगला हो सकता है कि सामाजिक गतिविधियाँ, यानी दोस्तों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना हो सकता है, या वार्तालाप करना भी मस्तिष्क के लिए एक सक्रिय मस्तिष्क को सक्रिय बना सकता है। इट्स आल्सो अ वे जिससे आप अपने मस्तिष्क को इम्प्रूव कर सकते हो, ब्रेन को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज की याद रहे कि मस्तिष्क की जो सेहत का ध्यान रखना एक निरंतर प्रक्रिया, इट्स नॉट गिव यू द इंस्टेंट रिजल्ट कि आज की या कल आपको रिजल्ट इसका मिलेगा, इट टेक टाइम सम टाइम बट रिजल्ट मिलेगा, ओके इसके अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, बट अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, छोटा छोटा टाइम आपको जैसे भी जितना भी हो सके आपको अपने टाइम में से कटआउट करके इस इम्पोर्टेंट टाइम काम के लिए टाइम जरूर आपको निकाल के और इसे टाइम देना होगा, तभी आपको ये बाद में आपको रिटर्न देगा एंड रिजल्ट इसके जरूर मिलते हैं, अच्छे मिलेंगे रिजल्ट आपको, इसमें इम्प्रूवमेंट आपके ब्रेन में इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा कुछ ही टाइम 15 दिन 20 दिन करने के बाद भी आपको अपने आप में चेंज महसूस होगा कि यस देर इज समथिंग चेंजिंग इनसाइड में। तो इस तरीके से नियमित रूप से इन व्यायामों को आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हो, 30 मिनट से सही आप जरूर इसे ट्राई करें एंड इस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो अपने मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय इस सब चीज़ों को आप यूज करके आप रख सकते हो। लेट नो बिलो कि क्या आपके पास और भी कोई तरीका है, ऐसे तो तरीके तो बहुत हो सकते हैं बट इन योर ओपिनियन आपको इसके रिगार्डिंग और एनी नॉलेज है तो यू कैन राइट डाउन बिलो ताकि और भी लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो सके। ओके